हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनूप। दोस्तों, मैंने अभी अभी जी फाइव पर अनलॉक नाम का फिल्म देखा है। न्यू रिलीज है, स्टारिंग हिना खान एंड लीड रोल। अब इसको मैं फिल्म बोलूँ या शॉर्ट फिल्म बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका ड्यूरेशन है 58 मिनट। लेकिन कुछ भी बोल दो, फिल्म का स्टोरी एब्सोल्यूटली फ्लॉप है। फिल्म एब्सोल्यूटली फ्लॉप है। कॉन्सेप्ट, आइडिया, प्रिमाइस बहुत अच्छा था, लेकिन उसको डायरेक्टर ने एक इंटरेस्टिंग एंगेजिंग स्टोरी में तब्दील नहीं कर पाया, एंड दैट इज़ वेयर द फिल्म गोज डाउन द ड्रेन। दोस्तों, आप लोग डार्क वेब नाम का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हो यार, इतना सब कुछ आप लोग कर सकते थे यार। 15 मिनट का शॉर्ट फिल्म आप लोग बना सकते थे, दैट कुड हैव बीन एक्सट्रीमली एंगेजिंग यूजिंग डार्क वेब एज द मेन थीम। लेकिन यार, इसमें डार्क वेब का सब्जेक्ट तो है, प्लॉट रिवॉल्व अराउंड डार्क वेब, लेकिन डायरेक्टर ने वो डार्क वेब को यूज करके यार एक भूत जैसा कॉन्सेप्ट लेके आके एब्सोल्यूट भुतियापा बना दिया है। पूरे फिल्म का पूरा भुतियापा बना दिया है, एंड फाइनली एट द एंड ऑफ इट द फिल्म टर्न्स आउट टू बी एब्सोल्यूटली इलॉजिकल विद नो एक्सप्लेनेशन अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग। अनलॉक नाम का एक ऐप जब हिना खान अपने मोबाइल पर डाउनलोड करती है, शी एंटर्स द डार्क वेब। अब जब डार्क वेब में वो एंट्री कर लेती है, अनलॉक ऐप जब डाउनलोड करके ओपन करती है, तो वो ऐप में से एक अजीब और गरीब आवाज़ आता है एक आदमी का, और वो आदमी पूछता है उसके वो अजीब आवाज़ में, आपका विश क्या है? अरे भैया, अलादीन का चिराग है क्या मोबाइल फ़ोन, कि अंदर से एक जिन आके आपको पूछेगा यार आपका विश क्या है? और एक बार विश पूरा ग्रांट होने के बाद वो आवाज़ बोलता है, अब ये है आपका टास्क, कंप्लीट दिस टास्क। भाई, अब क्या बिग बॉस शुरू हो गया क्या? इट इज़ एब्सोल्यूटली रिडिकुलस दोस्तों। और फिल्म में मर्डर्स क्यों हो रहा है, क्यों कराया जा रहा है, और ये आवाज़ क्या है, और वो हॉरर एंगल क्या है, देर इज एब्सोल्यूटली नो एक्सप्लेनेशन, नो लॉजिक एट ऑल, एंड आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फील एब्सोल्यूटली बोर्ड। और सबसे सबसे इलॉजिकल चीज़ ये है यार, मैं समझ सकता हूँ डार्क वेब यूज़ करके आप मोबाइल हैक कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, ये सब चीज़ हैक कर सकते हो, लेकिन यार बिजली कैसे हैक करोगे, इलेक्ट्रिसिटी? और उसके बाद गाड़ी कैसे हैक कर रहे हो यार? गाड़ी स्टार्ट कब होना है, बंद कब होना है, शीशा नीचे कब होना है, ऊपर कब होना है, दरवाज़ा खुलना कब है, बंद कब होना है, ये सारा चीज़ वो अनलॉक वाला ऐप वाला डिसाइड करता है। आप ऐप वाला भूत डिसाइड करता है। शायद वो भूत में इतना पावर है कि यार वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। यार फिर वो भूत को बोलना पड़ेगा, चाइना जो गलवान वैली में बैठा है उनको भी पीछे भेज दो यार। क्या मतलब, कुछ तो लॉजिक लगा के कुछ तो रियल चीज़ें दिखाओ यार। डार्क वेब जैसा कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप इतना एक अच्छा स्टोरी बता सकते थे। यू कुड हैव शोन कैसे डार्क वेब यूज़ करने वाले जो यूज़र्स है, जो लोग है, हाउ दे मैनुपुलेट द इनोसेंट पीपल, हाउ दे फोर्स द इनोसेंट पीपल टू डू क्राइम्स, टू डू थिंग्स फॉर देयर ओन एडवांटेज, फॉर देयर ओन बेनिफिट, एंड हाउ दे मेक इनोसेंट पीपल वॉक ऑन द पाथ ऑफ क्राइम बाय मैनुपुलेटिंग देम। ये आप दिखा सकते थे यार, लेकिन आपने ये भुतियापा कॉन्सेप्ट डाल के पूरा फिल्म को बिगाड़ दिया। दोस्तों, फिल्म में एक जेन्यून हॉरर सीक्वेंस है जो एंटॉप हिल के फ्लैट में होता है। सुपर्ब हॉरर सीक्वेंस है वो। दैट इज द ओनली ओनली हाईलाइट ऑफ द एंटायर फिल्म, द ओनली गुड थिंग अबाउट द एंटायर फिल्म। अदरवाइज द फिल्म इज अ टोटल फ्लॉप, द कॉन्सेप्ट इज अ टोटल फ्लॉप। एक्टिंग की बात करें, हिना खान इज गुड, कुशल टंडन इज नॉट बैड, आदित्य आर्या इज ऑल्सो ओके। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिसमें आदित्य आर्या को ऐसा ये करना पड़ता है, मैं बताऊंगा नहीं क्यों कर रही है, लेकिन वो जो ट्रेम्बल कर रही है, शिवर कर रही है, शेक कर रही है, अच्छा करती है वो। बट अदरवाइज द कॉन्सेप्ट इज सो बैड दैट इवन द एक्टिंग कुडंट सेव इट, इज वॉट आई वुड से। हिना खान से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, हिना खान जी, आप इतनी अच्छी एक्टर है, क्या किस तरह के कॉन्सेप्ट, किस तरह के स्क्रिप्ट को आप साइन कर रही है? अच्छे स्क्रिप्ट को साइन कीजिए, अच्छे स्टोरीज को साइन कीजिए, क्योंकि एक्टिंग अच्छा है, देखने में अच्छा लगेगा आपको स्क्रीन पर इफ़ यू डू गुड स्टोरीज। पहले आपने किया हैक्ट, अब आप किया अपलोड, अब दूसरा तीसरा क्या करोगे, डाउनलोड? प्लीज़ ज़्यादा डाउन मत जाना अपने करियर में, अच्छी एक्टर है आप, अच्छे स्क्रिप्ट चूज़ कीजिए। दोस्तों, इस फिल्म को मैं दूंगा 1.5 स्टार्स। देर इज नथिंग इन द फिल्म एक्सेप्ट फॉर दैट वन हॉरर सीक्वेंस। हॉरर सीक्वेंस देखना है तो मैं बता देता हूँ, डायरेक्टली 30 या 35th मिनट पे आपको मिलेगा वो हॉरर सीक्वेंस। वहाँ पे जाइए, वो हॉरर सीक्वेंस देखिए, शायद 3 मिनट का, उसके बाद बंद कर दीजिए। 1.5 स्टार्स फ्रॉम मी, Zee5 पर है, नॉट वर्थ योर टाइम। इफ यू वॉन्ट वॉच इट एट योर ओन रिस्क। फॉर द मोमेंट सोनू सेज टाटा।